हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। और आज हम सीखेंगे पोइट्री द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइट्री। बेसिकली थीम क्या है इसकी? इसमें पोइट हमें बताते हैं कि कैसे हम जो लॉस है, जो चीज़ जैसे लाइफ में हमारी कुछ खो जाती है, जो उसके बाद जो फीलिंग आती है, जो डिस्ट्रेस वाली फीलिंग, सैडनेस वाली फीलिंग आती है, उससे हम कैसे ओवरकम करें, या कैसे जो छोटा बच्चा है वो ओवरकम करना लाइफ में सीखता है। एंड टू शो दैट थिंग द पोएट हैज़ टेकन द एग्जाम्पल ऑफ अ लिटिल बॉय इन दिस वन। सो लेट्स सी द पोएट्री। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? वॉट इज़ ही टू डू? आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वॉटर। नो यूज़ टू से और देर आर अदर बॉल्स। व्हाट द पोएट इज़ सेइंग हियर? क्या कह रहे हैं पोएट? वॉट इज़ द बॉय नाउ? कि वो बच्चा अब क्या करेगा? Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल मिस कर दी या लॉस कर दी, अभी वो बच्चा क्या करेगा? इट मीन्स वो कैसे ओवरकम करेगा इन चीज़ों से। What is he to do? उसके पास करने को कुछ नहीं है, because the favorite thing of his, that was the ball he had missed. जो उसकी फेवरेट चीज़ थी, उसकी बॉल थी, वो उसने मिस कर दी। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. अब पोएट यहाँ क्या कहता है? आई सॉ इट गो। पोएट वो सीइंग, ही वॉज द आई विटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। वो खड़े होकर वहाँ पर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आई सॉ इट गो। इट इज़ यूज हेयर फॉर बॉल। ये एक बॉल के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। मैरिली बाउंसिंग, बाउंस करते हुए मैरिली जो बॉल है वो कहाँ जा रही है? दैट इज़ गोइंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के नीचे। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वॉटर। और फाइनली जो बॉल है वो वाटर में या पानी में जाके गिर जाती है, ड्रॉप हो जाती है। दैट द थिंग। नो यूज टू से और देर आर अदर बॉल्स। अभी जो पोएट है वो ये फील करते हैं कि बच्चों को ये कहने का, उस बच्चे को जिसकी जो बॉल है वो लॉस हो गई है या पानी में चली गई है, कोई फ़ायदा नहीं है, कि देर आर अदर बॉल्स दैट यू कैन टेक द अदर वन। बिकॉज इफ़ द पोएट विल ट्रीट द बॉय लाइक दिस तो क्या होगा? अगर पोएट बच्चे से इस तरह ट्रीट करता है, ऐसे बात करता है, तो फिर क्या होगा? द फाइनल थिंग विल बी दैट द बॉय विल नॉट लर्न How to overcome the loss? कि जो loss है, चीज़ें खो जाती हैं, उसको उसे कैसे overcome करना है, कैसे stand up करना है, वो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। That the main issue। इसलिए जो poet हैं वो कहते हैं oh no use to say or there are other balls। कि बच्चे को ये बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि दूसरी balls हैं, वो उनको लेके जो है उनसे अपने जो game है उसको continue कर सकता है। So there isn't a benefit of that thing। See the next one। An ultimate shaking grief fixes the boy। अब इस स्टेंजा में बच्चे की सिचुएशन दिखाई गई है। हाउ आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल द बॉय फेल्ट। कैसा उसको महसूस होता है जब उसकी बॉल खो जाती है। सी द थिंग। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो सैड हो जाता है। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ सैडनेस से फेल हो जाता है, फिक्स हो जाती है बच्चे के साथ, वो ज्वाइन हो जाती है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट, द बॉय इज स्टिल नाउ एज ही शॉक्ड। बच्चा स्टिल खड़ा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया है, इसलिए वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। ट्रैम्बलिंग, शिवरिंग, कांपना, वो बहुत ज़्यादा ट्रैम्बल कर रहा है, डरा हुआ है, क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ थी जो बॉल थी, एंड ही हैज़ लॉस्ट दैट वन। स्टेयरिंग डाउन, कहाँ? नीचे जहाँ वो पानी में बॉल गई है, टू दैट पर्टिकुलर प्लेस द बॉय इज कंस्टेंटली स्टेयरिंग। वो घूर के देख रहा है कि किसी तरह वो बॉल कोई इसको वापस ला दे या खुद से वापस उसको मिल जाए। ये वो स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ स्टेयर करना, गेजिंग या घूरना, दैट इज़ कॉल्ड स्टेयरिंग डाउन। All his young days into the harbor, and the basic thing that was not just the ball, वो सिर्फ ball नहीं थी, that was full of past memories। Boy जो है उसने बहुत time तक जो है अपना किसके साथ spend किया? उस ball के साथ spend किया है, बहुत सारे अपने friends के साथ, वो same ball के साथ उसने games खेले हैं, तो उसकी बहुत सारी जो feelings हैं वो उस ball के साथ attach हो गई है। So the same thing poet is saying here। क्या कहते हैं poet? All his young days into the harbor। जो भी अपने हार्बर के आसपास जो बॉल से जब खेलता था अपने यंग डेज में, या अपने फ्रेंड्स के साथ जो उसका पास टाइम था उस बॉल के साथ, वो भी सारी उस बॉल के साथ पानी में चली गई। इट मींस जस्ट बॉल ही हैज़ नॉट लॉस्ट, ही हैज़ आल्सो लॉस्ट द ऑल द ऑल हिज मेमोरीज रिलेटेड टू द बॉल। जितनी मेमोरीज उसकी बॉल से अटैच थी वो सारी भी वाटर में ड्रॉप हो गई। Where his ball went, कहाँ चली गई? जहाँ उसकी बॉल चली गई। Where the ball went, all the memories has also went।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इंट्रूड मीन्स इंटरप्ट करना. अब जो पॉइंट है उसने डिसाइड करा है कि वो बच्चे को समझाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. कि अगर वो बच्चे से कहते हैं कि एक डाइम की तो सिर्फ ये बॉल है. डाइम इज़ अ काइंड ऑफ करेंसी. जैसे रुपी होता है सिमिलरली डाइम इज़ हेयर. तो यहाँ पे डाइम जो है करेंसी है बेटा. तो डाइम यहाँ पे यूज़ हुआ है. अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. एक डाइम यानी कि बहुत कमी आपकी जो अमाउंट है उसमें बॉल आ जाएगी या तुम दूसरी बॉल परचेज कर लो. ऐसा कुछ बच्चे को समझाना दैट इज़ वर्थलेस. वो यूज़लेस है क्योंकि जो पॉइंट है उसकी विश है कि जो बच्चा है वो कैसे लॉस से ओवरकम करना है वो इसी एज में सीख जाए, चाइल्डहुड डेज में सीख जाए. बिकॉज दिस इज़ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. ये एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और आगे जाके सो मैनी थिंग्स द पॉय विल लॉस. बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे से दूर चली जाएंगी, उसकी बहुत फेवरेट चीज़ें, या वो उनको खो देगा. तो उन सारी फीलिंग्स से कैसे ओवरकम करना है, कैसे उस डिस्ट्रेस से उसको स्टैंड अप करना है, वो यहीं से सीखना शुरू करेगा जब उसने अपनी फर्स्ट थिंक हुई है और फर्स्ट टाइम को रियलाइज हुआ है द नेचर ऑफ लॉस. क्लियर दिस थिंग? नाउ सी द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस वन. सी वॉट वॉट मैरिली मैरिली. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले भी कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, जब बिगिनिंग में कोई वर्ड सेम लाइन की नेक्स्ट लाइन में रिपीट होता है, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में रिपीट होता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, बिगिनिंग ऑफ द लाइन देयर विल बी एनाफोरा. तो व्हाट लिटरेरी डिवाइस विल बी हियर? एनाफोरा. यहाँ पे एनाफोरा हो जाएगा. सिमिलरली हियर सेम वर्ड से दोनों लाइन स्टार्ट हो रही हैं. मैरिली मैरिली इज गिवन हियर, सो हियर विल ऑल्सो बी एनाफोरा. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एनाफोरा. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन. वेयर इज द रिपीटिशन नाउ? व्हाट वॉट. वापस ध्यान से देखें आप, बिगनिंग में अगर कोई वर्ड किसी लाइन के आके फिर नेक्स्ट लाइन में रिपीट हो रहा है देयर विल बी एनाफोरा. अब अगर सेम वर्ड लाइन में आगे कॉन्टिन्यू हो रहा है या कुछ डिस्टेंस के बाद सेम वर्ड अगेन गिवन है, इन केस देयर विल बी रिपीटिशन. इन केस देयर विल बी रिपीटिशन. सो वॉट विच लिटरेरी डिवाइस विल बी हियर? हियर विल बी रिपीटिशन. यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपीटिशन हो जाएगा. Here will be repetition. यहाँ क्या हो जाएगा? Repetition हो जाएगा. Similarly here, merrily bouncing. This is also very important literary device. Most of the time ये exam में पूछी जाती है. Merrily bouncing. अब यहाँ पर टू चीज जो literary devices हैं वो हम कह सकते हैं which are used. Firstly, merrily, happily. To be happy is the nature of human being. खुश होना किसका nature है? Human being का nature है. And the boy is treated here in the same way. जो सॉरी नॉट द बॉय, बॉल इज ट्रीटेड हियर इन द सेम वे. जो बॉल है उसको मैरिली कहा गया है. हैप्पीली बॉल इज बाउंसिंग एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बींग. सो हेयर विल बी पर्सनिफिकेशन. वट वुड बी हेयर? पर्सनिफिकेशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा आपका. विच लिटरेरी डिवाइस विल बी हेयर? पर्सनिफिकेशन. एंड वन मोर थिंग इज हेयर विच इज ट्रूली वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरी लाइन देखिए आप, सी द होल लाइन. Merrily bouncing down the street. It go merrily bouncing down the street. This statement picturize the thing in front of us. ये जब हम लाइन पढ़ते हैं तो एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि कैसे वो बॉल बाउंस करते हुए पानी में चली गई. सो हियर इज imagery. गॉट द थिंग? जब पूरी पिक्चर हमारे सामने डिपेक्ट हो रही है विद द वर्ड्स ओनली देयर विल बी imagery. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? imagery हो जाएगा. तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस? हियर विल बी इन दिस पर्टिकुलर लाइन इमेजरी. स्टैंड स्टेयरिंग. एस एस स्टैंड स्टेयरिंग. एस एस विच लिटरेरी डिवाइस विल बी हियर? हियर विल बी एलिट्रेशन. रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड. रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड. हियर विल बी एलिट्रेशन. तो यहाँ कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा? हियर विल बी एलिट्रेशन. I hope this stanza is very clear. Now go to the next one. See the next stanza now. Now he senses false responsibility in a world of possessions. This time the boy has learned his false responsibility. अब उसने पहली बार अपनी false responsibility सीखी. And what is the responsibility? कि अगर वो अपनी ball की take care करता तो वो इस तरह water में नहीं जाती. So he is responsible for the loss of the ball. It was his responsibility to take care of the ball.
तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो पोजेशंस उसने ली है या उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो चीज़ें उसके पास है, वो उनके टेक केयर करें. सो द फर्स्ट टाइम ही लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. इस पोजेशन के वर्ल्ड में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, जहाँ हर चीज़ पर लोग अपना अधिकार जमाते रहते हैं या हर चीज़ पर अपना राइट बताते रहते हैं. पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. अब जो पॉइंट है वो बॉय से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है लॉस से, वो सीख जाए. तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है कि बॉल्स हैं वो हमेशा खो जाएंगी जो जब लोग बॉल्स को लेंगे. एंड बॉल्स यहाँ पे सिर्फ बॉल्स नहीं है, दो द बॉल्स आर हेयर द मटीरियलिस्टिक थिंग. जो मटीरियलिस्टिक थिंग वर्ल्ड में हैं, हमें अपनी तरफ टैम्प्ट करती हैं, जिनको हम अपने पास सहेज के रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बॉल की तरह रिप्रेजेंट की गई हैं, बॉल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी गई हैं. सो दिस वर्ड इज जस्ट नॉट द बॉल, क्योंकि बड़े लोग बॉल से नहीं खेलते हैं. दोज आर हैविंग सो मैनी मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. बहुत सारी भौतिकवादी चीज़ें उनके पास होती हैं क्योंकि बहुत फेवरेट होती हैं, और कुछ टाइम पीरियड बाद उनसे वो दूर चली जाती हैं. इन एनी केस वी में से एंड नो मोर नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी एक बॉल जो है उसको वापस नहीं खरीदता. इट मीन्स कोई चीज़ अगर आपसे वो चली गई, बेशक वो वापस आ जाए, बट खरीद नहीं सकते आप उसको. क्यों नहीं खरीद सकते? यू कैन परचेज अ न्यू वन, दैट इज़ अनदर थिंग. नया खरीद सकते हैं आप, बट द बेसिक थिंग इज द न्यू थिंग विल नॉट ब्रिंग द लास्ट पास्ट मेमोरीज विद दैट वन. अभी जो बॉय है, सपोज वो न्यू बॉल भी अपने साथ ले रहता है, खरीद लेता है, तो जो पुरानी बॉल के साथ उसकी अटैच्ड मेमोरीज थी वो तो वापस नहीं आ सकती. सिमिलरली हियर, तो यहाँ भी वही कहा गया है दैट एंड नो वन बॉयज अ बॉल बैक, कि कोई भी एक जो बॉल है उसको वापस नहीं खरीद सकता. जो वापस जो उसकी चीज़ जा चुकी है, जो उससे रिलेटेड मेमोरीज उसकी जा चुकी हैं, फीलिंग्स जो उसकी जा चुकी हैं, वो वापस नहीं आएगी. बेशक आप कुछ नया उसके प्लेस पर रिप्लेसमेंट में ले आए. इट मीन जो चीज़ थी उसके अपना एक अलग प्लेस था जिसको कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता. मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो एक्सटर्नल चीज़ है, आप खर्च करके कुछ भी ले सकते हो, दैट इज़ अनदर थिंग. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. Although the boy is very sad, हालांकि जो बच्चा है वो बहुत sad है, उसकी eyes जो है वो sad है, desperate है. Desperately किसके लिए वो wait कर रहा है? Desperately, eagerly वो wait कर रहा है किसके लिए? वो अपनी ball के वापस आने के लिए wait कर रहा है. लेकिन उन desperate eyes के पीछे he is learning something, वो कुछ सीख रहा है. And that is how to overcome the loss, कैसे loss को overcome किया जाए, ये चीज़ वो सीख रहा है. The epistemology of loss, epistemology means, what is the meaning of epistemology here? एपिस्टमोलॉजी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस. नेचर ऑफ लॉस को कैसे समझा जाए, वो बेसिक थिंग बच्चे ने यहाँ सीखी. हाउ टू स्टैंड अप, कैसे स्टैंड अप हुआ जाए, यानी कि ओवरकम किया जाए. नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो उसे जानना जरूरी है और वो जान रहा है जो हर इंसान को एक दिन जानना होता है. इट मीन्स वेन विल ही ग्रो अप, ही वुड श्योरली लर्न दिस थिंग, बट इन स्मॉल एज ही इज़ लर्निंग दैट वन एज हिज बॉल हैज़ नॉट रिटर्न टू हिम. क्योंकि वो बड़ा होगा तो वो सीखेगा ही सीखेगा, लेकिन इस छोटी एज में भी वो सब चीज़ें सीख रहा है, क्योंकि जो बॉल है अब उसको वापस उसकी नहीं मिलने वाली, और उसे उस जो फीलिंग है, सैड फीलिंग है, डिस्ट्रेस फीलिंग है, उसे ओवरकम करना है. सो ही इज़ लर्निंग द सेम थिंग इन दिस अर्ली एज एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. और बहुत सारे लोग एक एज के बाद सीख जाते हैं, बहुत दिनों के बाद सीख जाते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों से स्टैंड अप होना है. अब यहाँ पे जो बॉय है वो भी सीख गया है कि कैसे इन चीज़ों से ओवरकम होना है. आई होप दिस पोएट्री इज़ वेरी क्लियर. सी द लिटरेरी डिवाइस हियर. अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस हम देख लेते हैं. यू कैन सी बॉल्स एंड बॉल्स आर यूज हियर. बॉल्स एंड बॉल्स, सेम वर्ड इज रिपीटेड, सो हियर विल बी रिपीटिशन. रिपीटिशन विल बी हियर. सी हियर, बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, एज आई टोल्ड यू. यहाँ पे बॉल्स सिर्फ बॉल्स नहीं है, दीज आर मटेरियलिस्टिक थिंग. तो यहाँ पे बॉल्स मेटाफर की तरह यूज करी गई है. गॉट इट? सो हेयर विल बी मेटाफर. इन दिस लाइन हेयर विल बी बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हेयर विल बी मेटाफर, एंड इट्स ट्रूली वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला जो फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर, लिटरेरी डिवाइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है. Balls will be lost always, here will be metaphor. क्या होगा यहाँ पे? Metaphor होगा. See next now, और देख लेते हैं इसमें. Ball back, sound of BB is repeating here. Ball back, so here will be alliteration. Which literary device will be here? Alliteration. यहाँ alliteration हो जाएगा आपका. Any other you can see? You can mark that one also. कुछ और आपको लग रहा है तो उसको भी आप mark कर सकते हैं.
many of them we have learnt, right? Almost all we have done. B can also we take, buys ball back. All three we can take all together. तीनों को हम एक साथ ले सकते हैं. Got it? Possession, people may also be here. Possession or people, PP sound is repeating here. तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? Where will also be alliteration. यहाँ भी alliteration हो जाएगा. Alliteration. Got it? I hope this poetry is very clear to all. We will meet again. Till then, do subscribe the channel and share it among your friends.